अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान और बिलीव इन पाकिस्तान पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम हमेशा अपनी सेलिब्रिटीज़ को और अपने बिजनेस टाइकॉन्स को आपसे मिलवाते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबे में बहुत सारी खिदमात हैं बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए उनकी इंटरनेशनली और नेशनली बहुत सारी खिदमात होती हैं। आज इसी सिलसिले में एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है जी। हमें टाइम ज़ाया किए बगैर उनके साथ आपका तारीफ कराऊंगा, बाकी बातें मिलने के बाद उन्हीं से होगी। हाँ, एक ज़रूर बात कहूँगा कि वो जिस इंडस्ट्री से उनका तल्लक है और जिस इंडस्ट्री के लिए वो काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और एक पहचान है दुनिया में उस इंडस्ट्री की, उन प्रोडक्ट्स की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाक शालीमार कारपेट्स के CEO मियाँ तीकुर रहमान साहब की। मैं आज उनके ऑफिस में मौजूद और ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में आज वो हमारे मेहमान हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब ने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया था और जिस सफ़र की बुनियाद उनके वालिद ने 1970 में रखी थी और आज वो सफ़र कहाँ तक पहुँचा है और उनके जो कारपेट्स हैं दुनिया में कहाँ कहाँ जाने जाते हैं और वो पाकिस्तान की पहचान को, पाकिस्तान की आइडेंटिटी को किस तरह से दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जानते हैं ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में मियाँ तीकुर रहमान साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक का सफ़र पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। मियाँ साहब 1970 मियाँ जवेदुररहमान साहब, जी जी ठीक है जी, मियाँ जवेदुररहमान साहब ने जो ख्वाब देखा और उसकी तबीर होते होते मियाँ तीकुर रहमान साहब तक पहुंची, तो 1970 का ये सफ़र मियाँ साहब जब जारी हुआ और एक ऐसी इंडस्ट्री में आप लोगों ने कदम रखा जो मुल्की हालात के मुताबिक ऊपर नीचे तो उसके मामला चलते रहते हैं, लेकिन ना सिर्फ आपने इस ब्रांड को इस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान के लार्जेस्ट ब्रांड में से आज पाक शालीमार कारपेट्स एक ब्रांड है, तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा ये सफ़र स्टार्ट कैसे होता है और मियाँ जवेदुररहमान साहब ने क्यों काम स्टार्ट किया था और फिर जब आपने 1990s में इसमें आए तो उसके बाद क्या हुआ प्लीज़? एक्चुअली मेरे वालिद साहब जी बड़े सेल्फ मेड आदमी थे जी, उन्होंने इसको 1970 में स्टार्ट किया था अपनी ग्रेजुएशन के बाद। वी बिलोंग टू जी बागबानपुरा लाहौर, जी लाहौर से ही हम बिलोंग करते हैं, तो मैं भी वहीं पला बड़ा, मेरे वालिद साहब भी वहीं पले बड़े, मेरा बचपन सारा वहीं गुजरा हुआ जी। आई एम प्राउड ऑफ कि मैं बागबानपुरा से बिलोंग करता हूँ, एक राइम फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी, तो बचपन वहाँ पर गुजरा हुआ है। फिर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद अपने वालिद को ज्वाइन किया 1991 में, उनके साथ ज्वाइन किया, फिर इस बिज़नेस को अपने और एक्सपेंड किया फॉरेन कंट्रीज़ में और मुख्तलिफ नई मार्केटें तलाश की। इसी तरह हमने नई मार्केटों में गए, साउथ अफ्रीका गए, ऑस्ट्रेलिया गए और यूरोपियन कंट्रीज़ नई मार्केटें जैसे स्वीडन और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ट्रेवल किया, बिज़नेस किया, अमेरिकन मार्केट्स के कुछ और वेस्ट कोस्ट पर जाके मेहनत की, वहाँ पे कुछ बिजनेस तलाश किया। इसी तरह बस चलता रहा काफ़ी, फिर एक टीम वर्क बन गया वालिद साहब के साथ, वो कहते हैं ना एक और एक 11 होते हैं, तो फिर काफ़ी उनके साथ मुझे बड़ा एक एज था, बड़ा कुछ मैंने उनसे सीखा भी और वहाँ पर मेरी गाइडलाइन थे, सरपरस्ती थे। हाँ जी, और स्पेशली जब मैं ओवरसीज जाता था मुझे पीछे बिजनेस का फिक्र नहीं होता था कि मैं पीछे कोई है, बताता था, सारा संभालते थे, काफ़ी उनके मुझे एज था जी। लेकिन जब वो हमें छोड़ के गए उसके बाद महसूस हुआ कि जी
और हम काफ़ी चीज़ों से महरूम हो गए, तो वो एज ख़त्म हो गया। बस इस तरह फिर जो मुसीबतों के रोज़ गुजरते थे, हाँ, मुसीबतों के पहाड़ आके एकदम सर पर पड़े तो फिर महसूस होता है। सर उसके ऊपर मैं ज़रूर पूछूंगा, मुसीबतों के पहाड़, क्योंकि हर एक सक्सेस स्टोरी में एक क्लाइमेक्स ज़रूर होता है इस तरह का। नो डाउट पाकिस्तान जैसे कंट्री में सक्सेस हासिल करना नॉट ईजी जॉब। लेकिन मियाँ साहब, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि मियाँ जवेदुररहमान साहब ने जो ख्वाब देखा था ये वाली इंडस्ट्री में आने का, वो क्यों देखा था, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, कि आप लोग कारपेट्स के बिज़नेस में ही क्यों आए, क्या उस वक्त क्या पाकिस्तान की ज़रूरत थी 1970 में ये, या कुछ और था, या कि आप लोगों की ज़रूरत थी कि इस काम में आया जाए? एक्चुअली ये तो मेरे वाले साहब बता सकते हैं, वो बकौल उनके कि जी वो डिफरेंट ट्रेड्स में उस वक्त के सक्सेसफुल नहीं, फेलियर और सक्सेस चलती रही उनके पास, तो फिर कोई उनका दोस्त था तो वो फिर उन्होंने उनको गाइड किया कि ये नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आप लोग आए। तो वो बताते थे कि वो उन्होंने राइस का स्टार्ट किया, उसमें सक्सेसफुल नहीं, और एक दो बिज़नेस स्टार्ट किया सक्सेसफुल नहीं हो सके, फिर ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो उन्होंने इसमें ग्रोथ शुरू की और ग्रोथ होती गई, ऐसा ऐसा ग्रोथ होती गई और अल्लाह का शुक्र है और उसमें ग्रोथ चलती गई। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ इसी बिज़नेस में से दी, वी एंजॉयड आवर लाइफ फ्रॉम दिस बिजनेस। माशाल्लाह मियाँ साहब, तो आप बेसिकली यू आर मैन्युफैक्चरर? जी, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर, ट्रेडर एंड एक्सपोर्टर, जी एक्सपोर्टर, तीनों चीज़ें उसमें आ जाती है। तो मियाँ साहब, आपने जब 1970 में आपके वाले साहब ने ये बिज़नेस की बुनियाद रखी, जब फिर 90s में आप आफ्टर स्टडीज़ में आए, तो आप समझते थे कि आपको इस यहाँ पर आना चाहिए था, ये आप ही की जगह थी, कि भी कुछ इंटरेस्ट कुछ और था? देखे जब 1990 हमारे यहाँ वरासती काम होता है कि बाप के बस बेटे ने संभालना है, उस चीज़ के ऊपर आपने अमल किया? नहीं, उस वक्त मेरे वाले साहब अकेले थे थी, तो उस वक्त तो इस बिज़नेस को ज़रूरत थी उनको, और उनको भी ज़रूरत थी। एक्चुअली मैं उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहा था, तो मेरा इरादा था कि चले मैं वहीं सेटल हो जाता हूँ। तो एक दिन मेरे वाले साहब का मुझे फ़ोन आया कि तुम वापस आ जाओ, तो मैंने कहा मैं तो ऑस्ट्रेलिया ही रहना चाहता हूँ। कहते नहीं, तुम वापस आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उन्होंने ऐसे अंदाज से मुझे कहा कि मैं इनकार नहीं कर सकता, तो अच्छा, मैंने कहा ठीक है जैसे आप कहते हैं। तो वो टेलीफोन गुफ्तगु के दौरान ही उन्होंने कहा अच्छा, मैं तुम्हारी टिकट जो है ना कल करवा कर भेज रहा हूँ। वो ऑल ऑफ सडन ही ऐसी चीज़ें हुई कि वो उन्होंने वाकई मुझे नेक्स्ट डे मुझे टिकट भिजवा दी, इशू करवा के भिजवा दी, और वो विद इन 48 आवर में पाकिस्तान में आ गया। और उससे अगले रोज आप ऑफिस में थे? हाँ, उससे आप ये सब ट्रेनिंग शुरू हो गई, ट्रेनिंग शुरू भी आपने ये करने है। एक्चुअली ट्रेनिंग मैं पहले मेरी काफ़ी पहले भी हो चुकी थी, मैं जब मैट्रिक एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त मैं अपने मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद जो थ्री मंथ्स का पीरियड होता है उसमें भी ऑफिस आता था, तो उस वक्त थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग हो चुकी हुई थी मेरी। फिर जब FA का दिया तो उसमें भी आता था पार्ट टाइम, यानी कि बिजनेस की नो हाउ आपको आनी शुरू हो गई थी क्या है कैसे? हाँ जी, तो फिर वो ऑल ऑफ सडन मैं फिर इस तरह वापस आया तो फुल टाइम फिर बिजनेस में ही आना शुरू हो गया। तो भगवानपुरे की गलियां तो वैसे बड़ी मशहूर गलियां हैं जी, तो भगवानपुरे में बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां, माधोलाल हुसैन जी, हम चिरागा मेला जी जाते थे जी, चिरागा मेला भी और सब कुछ है, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी भी यादें वाबस्ता है उस मेले से भी। तो वो भगवानपुरे के गलियों में खेलने वाला वो लड़का, ठीक है, शर्मिला सा लड़का, मियाँ अतीकुर्रहमान साहब, एक ऐसे ब्रांड की बुनियाद रखने के बाद आपने आज हमारा ब्रांड जो है पाक शालीमार कारपेट्स कहाँ पर खड़ा है, थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे आप ये? शुक्र हमदा जी, पाक शालीमार कारपेट आज भी टॉप 10 कारपेट एक्सपोर्टर में आता है जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान के जी कारपेट इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री में जी, वी आर वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ कारपेट इंडस्ट्री इन कारपेट इंडस्ट्री जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुरू से ही इस इंडस्ट्री में वो लीडिंग एक्सपोर्टर रहे हैं जी, तो अपना एक नाम मेरे वाले साहब ने बनाया, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाम के ऊपर बात होगी थोड़े से ब्रेक के बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है जी। नाज़रीन, अभी हमारे साथ है मियाँ अतीकुर्रहमान साहब, जो कि CEO है पाक शालीमार कारपेट्स के, पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड है एक्सपोर्ट का। तो इस वक्त हम एक स्मार्ट सा ब्रेक लेंगे,
हम मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मैंने बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारी है अपने वालिद साहब के होते। ऐसी होते हैं वालिदैन के होते हुए, यानी कैसी होती लाइफ सबकी? जैसे मैंने अपनी लाइफ गुजारी है अपने वालिद साहब के जिंदगी में शायद ही किसी ने गुजारी हो। जब वो मुझे छोड़ के गए तो फिर मुझे पता लगा कि बाप की शफकत और बाप की प्रेजेंस क्या होती है। जी, वेलकम बैक नाजरीन ख्वाबों से तबीरता के सफ़र में मियाँ आतिक रहमान साहब आज हमारे साथ मौजूद है। और हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के लीडिंग एक्सपोर्टर जो हैं कारपेट इंडस्ट्री में, तो हमारे साथ हैं। हम जानते हैं इस इंडस्ट्री की और बातें मियाँ साहब के साथ। मियाँ साहब, आपने थोड़े से देर पहले बोला था कि मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। जी हाँ जी। वाले साहब की डेथ के बाद वो क्या था बड़ा ये, क्योंकि पाकिस्तान में सेक्स और मुसीबत ये दोनों चीज़ें ना साथ साथ हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर बताइएगा प्लीज़। एक्चुअली देखें जी, जब तक मेरे वालिद साहब जिंदा थे ना, मुझे किसी चीज़ की कोई फिकर नहीं थी, क्योंकि बड़े होते हैं ना, उन्होंने कभी मुझे ऐसी कोई फिक्र मालूम होने दी थी, मुझे किसी चीज़ का हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करके प्रोवाइड की हुई थी और हर चीज़ मैनेज की हुई थी, और हम उस मैनेज हुई चीज़ों को ही चला रहे थे। हमें यही कामयाबी थी, हमें यही पता था कि ऐसे ही लाइफ चलती है। तो ऑल ऑफ सडन उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, तो ही लेफ्ट अस 2013 जी। तो वो जो सारी चीज़ों में ऑल ऑफ सडन ही हुई जी। तो वो जब चले गए तो एकदम फील हुआ कि बहुत सी चीज़ें थी जो वही कर रहे थे जो मुझे नहीं मालूम थी, और मैं तो साथ वैसे ही चल रहा था। तो मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारी है अपने वालिद साहब के होते। ऐसी होते हैं वालिदैन के होते हुए, यानी कैसी होती लाइफ सबकी? जैसे मैंने अपनी लाइफ गुजारी है अपने वालिद साहब के ज़िंदगी में शायद ही किसी ने गुजारी हो। जब वो मुझे छोड़ के गए तो फिर मुझे पता लगा कि बाप की शफकत और बाप की प्रेजेंस क्या होती है। तो वो फिर हर चीज़ मेरे पे, बीइंग एल्डर, वो हर जिम्मेदारी मेरे पे ही आ गई। बिजनेस भी, हर चीज़ देखना की है। भी फैमिली की भी इनहेरिटेंस, हर चीज़ आ गई। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआएं थी, हर चीज़ बड़े खुशनसीबी से आहिस्ता टाइम लगा, लेकिन उनकी कमी तो नहीं मैं दूर कर सका। आज भी मैं फील करता हूँ काफ़ी जगह कि वो होते तो शायद ये चीज़ें ना होती, वो होते तो शायद, मैं अपने आप से बातें करता हूँ कि यार वो अगर मेरे इस वक्त होते तो ये चीज़ अच्छी तरह मैनेज कर लेते, मुझे फिक्र ना होती। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआएं हैं, चीज़ें मैनेज हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला मैनेज कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो मियाँ साहब, आपको क्या लगता है जो ख्वाब आपके वालिद ने देखा था इस इंडस्ट्री के लिए, और उनके जाने के बाद 2013 से लेकर 2022 है, तो आप समझते हैं कि उस चीज़ को या आप आगे लेके चल रहे हैं उस? जी बिल्कुल, जो उन्होंने ख्वाब जो उनका था, विजन था कि इस बिज़नेस को कंटिन्यू किया जाए और अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक लेगेसी को आप आगे मैं लेके चल रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, और कोशिश यही कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर तरीके से इसको मैनेज करूँ। अच्छा मियाँ साहब, अब हम थोड़ा सा आएंगे इस इंडस्ट्री के ऊपर, कारपेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक टाइम था जो मुझे पता था कि पूरी दुनिया में एक अरूज था इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री का पाकिस्तान के हवाले से, अभी भी है ठीक है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, पहले हैंडमेड का एक अपनी अब जिद्दत के साथ और चीज़ें भी उसमें आ गई है, चूँकि आप हैंडमेड में ज़्यादा काम है, बल्कि आपका है ही हैंडमेड में, तो आप थोड़ा सा इस इंडस्ट्री का बताइएगा। 100 मिलियन डॉलर्स की ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी से आप लोग सहमत है, नंबर वन? नंबर सेकंड ये बताइएगा कि ये इंडस्ट्री के कितनी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? देखें जी, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से पाकिस्तान का शुरू से ही नाम दुनिया में था और चलता हैंडमेड का। आप जहाँ पे भी चले जाएँ पूरी दुनिया में जहाँ पे हैंडमेड कारपेट यूज़ होता है, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम ज़रूर आता है। ठीक। और जो क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो क्वालिटी हमने इन्वेंट की है, जो कलर कम्बिनेशन हमने दुनिया को दिए है, वो आज तक कोई कलर कम्बिनेशन नहीं दे सका। उसकी कॉपी की है इंडिया ने, ईरान ने, बाकी अदर कंट्रीज़ ने, और उसके लेवल तक नहीं पहुँचे। आज भी
हमारे जो कंपटीटर हैं वो हमें ही कॉपी करके हमें हार्ड टाइम देते हैं, लेकिन हम फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन निकाल लेते हैं, फिर उनसे आगे थोड़ा सा अहेड चले जाते हैं। हैंडमेड कारपेट जो पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है शुरू से ही, तो वो हमेशा से हम इन्वेंटर के तौर पे आते हैं, थोड़ी देर के लिए मार्केट को होल्ड करते हैं, फिर वो लोग उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करके तो हमसे वो मार्केट ले लेते हैं, फिर हम कोई ना कोई चीज़ आगे इन्वेंट कर लेते हैं, तो इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। कारपेट इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, ये दुनिया के में कितने नंबर पर इंडस्ट्री में थे वर्ल्ड इंडस्ट्री की अगर बात करें हम? देखें ये पाकिस्तान की जो टॉप 10 में है हमारी ये कारपेट जो हैंडमेड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो 5-6 कंट्री सिर्फ हैं जी। ठीक है, पाकिस्तान है, इंडिया, नेपाल है, ईरान है, थोड़ा सा टर्की में बनता है और मोरक्को में ब्राय नाम सा बनता है, इसी तरह ज़्यादा कंट्री नहीं है जो हैंडमेड कारपेट प्रोड्यूसर है, तो उसमें पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे नाम है, दूसरे अच्छा दूसरे नंबर पे है। इंडिया का वॉल्यूम बहुत बड़ा है क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बहुत इन्हांस किया। सेकंड वो एज ए इंडस्ट्रीज को देखते हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ें थोड़ी सी पीछे चली जाती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है और गवर्नमेंट उसको उस तरीके से नहीं सपोर्ट करती जैसे इंडिया की गवर्नमेंट जो है उनको फैसिलिटीज देती है एक्सपोर्टर्स को, और हमारी गवर्नमेंट उस तरीके से नहीं हमें सपोर्ट करती है। अगर उस तरह गवर्नमेंट करे तो हम भी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू दे सकते हैं और हम इंडिया से आगे निकल सकते हैं। एक वक्त हम इंडिया से आगे थे, आज से 25 साल पहले हमारी एक्सपोर्ट इंडिया से आगे थी, लेकिन उसके बाद ऐसा ट्रेंड चेंज हुआ कि इंडिया ने अपने कस्टमर्स को अपने एक्सपोर्टर्स को इतने इंसेंटिव दिए कि वो इंडस्ट्री हमारे से बहुत आगे निकल गई। नहीं सब ये मशीनी दौर चुका हुआ है, डिजिटल और 3D और हर चीज़ ऐसी देखी जाती है, तो इस दौर में आने के बावजूद भी हैंडमेड कारपेट की, यानी कि आपके मशीनी कारपेट भी है ना, उसमें डिजिटलाइज भी दूसरी चीज़ें भी आओगी इसमें, तो आप समझते कि इसकी अफादियत जो है, मकसद जो है इसका बाकी रहेगा फिर भी? ऑफ कोर्स जी, कोई इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होती, नहीं होती, और एक हैंडमेड की अपनी लेगेसी है, शुरू से है और ये रहेगी। ये जो कारपेट हैंडमेड है ये आज से थोड़ी चल रहा है, ये तो सदियों से बनता आ रहा है और सदियों से बनता आ रहा है और इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको लेने वाले ज़ौक शौक वाले लोग हैं और वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम आता रहेगा लोगों में और चलता रहेगा, ख़त्म कभी भी नहीं होगा। ये है कि मशीन मेड ने काफ़ी हार्ड टाइम दिया हैंडमेड को, उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है और आज की जो नई जनरेशन है वो ज़्यादातर मशीन मेड की तरफ जा रही है और प्राइस वाइज भी कंपैरिजन अगर करें तो वो थोड़ा एज कंपेयर्ड टू उसमें थोड़ा सा है, लेकिन इवेंचुअली इट विल कम बैक, ट्रेंड विल कम बैक जी। मैं सब इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं हम जी, इस टाइम लेंगे हम एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं हम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। बिलीव करें मैंने उसके साथ इतना बिजनेस किया और आज भी मैं उसके साथ बहुत बिजनेस कर रहा, पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी अगर उसने आपके साथ किया है। हाँ जी, तो मैं उसके साथ बहुत अच्छा बिजनेस किया, आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि बीइंग ए पाकिस्तानी मैं वहाँ पे गया, लेकिन मुझे इस चीज़ का कि जब अल्लाह ताला ने रिस्क देना आपको किस तरह वो लास्ट बाप से भी इस बाप पैदा कर देता है अल्लाह ताला। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में शालीमार पाक शालीमार कारपेट्स के CEO मियाँ तीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। जी मियाँ साहब, मैं इस इंडस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा बात को बढ़ाते हुए ये बताऊँ कि वो मुझे प्राउडली फील हुआ, मैं लास्ट मंथ दुबई एक्सपो में था, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपो हुआ है और उसमें पाकिस्तान पवेलियन में मैं चूँकि पार्ट भी था उसका, मैंने देखा है वहाँ पाकिस्तान कारपेट थे, हैंडमेड कारपेट, और फॉरनर्स बहुत ज़्यादा उसको लाइक कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह का पाकिस्तान के ऐसे प्रोडक्ट्स को लोगों का पज़ीराई मिलना और इंटरनेशनल मंडियों तक ले जाना और लेके जाना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब कि ये इंडस्ट्री वाकई अवली बाद ना कभी ख़त्म होगी ना हो सकती है, इसमें बल्कि जिद्दत ही आएगी। लेकिन मियाँ साहब, एक टाइम था कि दुनिया के जो सरबराहान थे कंट्रीज़ के,
कंट्री टू कंट्री, जब आपस में शेक एंड जब मिलते थे तो कारपेट के जो तोहफ़ दिए और लिए जाते थे, क्या वो रवायत अब भी बरकरार है? देखिए ये तो रवायत जो थी शुरू की थी जौलक साहब ने, हाँ जी, जब वो जाते थे फॉरेन टूर पे तो वो एक पाकिस्तानी कारपेट लेके जाते थे और जाके हेड ऑफ दी स्टेट जो स्टेट है वो गिफ्ट देते थे। अब मेरे ख्याल थोड़ा सा ये ट्रेंड कम हो गया है, बल्कि अभी भी चाहिए गवर्नमेंट डिग्निटीज को, जब वो जाते में अभी सऊदी अरब में अभी है जाते हैं तो हाँ जी वो गिफ्ट लेके जाएं, वो बड़ा पसंद करते हैं सऊदी गवर्नमेंट तो वैसे वो बहुत पसंद करते हैं। उससे ये है कि पाकिस्तान का एक एक ट्रेडिशन है कि फिर उनको भी इस चीज़ से आगाही रहती है कि ये जो है हैंडमेड कॉपी पाकिस्तान की एक वैल्यूबल गिफ्ट है जो उनको दिया जाता है, जो हमारी एक पहचान बन चुका हुआ है। अच्छा ये सब ये बताइएगा, ये हमारी जो इंडस्ट्री है कारपेट इंडस्ट्री, इसकी कितनी एक्सपोर्ट होगी या है, और अगर गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट करे, मुझे नहीं पता कि आप लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी से सहमत हैं कि नहीं, ट्रेड पॉलिसीज, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे यहाँ बदलती रहती है, पॉलिसीज भी चेंज होती रहती हैं, तो अगर बाकायदा जैसे आपने इंडिया की एग्जाम्पल दी है, इंडिया की तरह आप लोगों को बाकायदा इंडस्ट्री की तरह देखा जाए तो आप लोग कितना इसके लिए और अच्छी एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट? देखिए अभी तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो एक्सपोर्ट है अगर देखा जाए तो $100 मिलियन के आसपास है जी। ठीक, अगर गवर्नमेंट की अच्छी हमें सपोर्ट मिल जाए, इंसेंटिव मिल जाए, तो हम इसको $400 to $500 million लेके जा सकते हैं ईजीली विद इन 2 years। तो लेकिन कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने हमें सपोर्ट किया हो। हम हर वक्त गवर्नमेंट की तरफ मुंतजर ही रहते हैं कि ये गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ये गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, बस वो जो भी गवर्नमेंट आती है वो शॉर्ट स्पैन के लिए आती है, वो टाइम गुजर जाता है तो बस वो उसी तरीके में हम वहीं बैठ रहे हैं। नहीं तो क्या वजह है गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री की तरफ क्यों नहीं तवज्जा, यानी कि क्या वो इसकी इम्पोर्टेंस का नहीं उनको आइडिया? आइडिया है लेकिन वो ये कहते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट कम है, अब वो इस चीज़ की तरफ नहीं आते, वो कहते हैं जी हम आईटी की तरफ जा रहे हैं, हम फलाने की तरफ जा रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट कम है आप इंसेंटिव दे तो एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है, अब ये नहीं कि आप इसको थोड़ी तवज्जो देंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना, अब वो इसलिए तवज्जो नहीं देते कि एक्सपोर्ट कम है, तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा थी तो आप तवज्जो देते थे तो एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, आपकी तवज्जो हटी तो एक्सपोर्ट कम होगी, तो थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो हम इसके एक्सपोर्ट को 4 times 3 times ईजिली कर सकते हैं जी। मेरे साहब कोई ऐसा लम्हा शेयर कीजिए हमारे साथ या कोई ऐसा वाकया जिसमें एज ए कारपेट एक्सपोर्टर आप बाहर गए हों तो आपकी प्रोडक्ट को बहुत सराहा गया हो पाकिस्तान के हवाले से, किसी ने बहुत तारीफ़ की हो और आपकी आंखों में नमी आ गई हो कि आप प्राउडली फील किया हो आपने कि मैं पाकिस्तानी और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ तक लेके पहुँचा हूँ और आगे भी लेके जाऊँगा? और 2 वाक्य ऐसे हैं जी, एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ, ये आज से काफ़ी साल पहले की बात है, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था तो मेरी एक कस्टमर से अपॉइंटमेंट थी, तो मैं थोड़ा लेट हो रहा था तो मैं गलत एग्ज़िट ले लिया। अच्छा, तो एग्ज़िट लेके तो मैं वो जब एक एग्ज़िट पहले ले लिया मैंने, मैंने को गलत एग्ज़िट ले लिया, अब मैंने वापस हाईवे पर जाना था तो वो मुझे अब रास्ता नहीं मिल रहा था, अब कैसे जाना है, तो मैं वो आपको पता है वहाँ पाकिस्तान वाला चक्कर था नहीं कि हर चीज़ बंद में कैसे फॉलो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो मैं ऐसे घूमता घुमाता गया तो मुझे एक कारपेट शॉप नज़र आ गया, मैं कहा चलो अब आए हुए हैं इसको भी मिल लेते हैं। जब मैं उसके पास गया तो मुझे कहता तुम्हारे पास कुछ सैंपल हैं? मैंने कहा सैंपल हैं मेरे पास, सिकर मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या कोई नई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है? मैं आपको बता रहा हूँ जब अल्लाह ताला ने रिस्क देना हो तो अल्लाह ताला फिर आपको सबाब पैदा, हाँ जी सबाब पैदा करता है, वो आपके गलत रास्ते आपको सही रास्ते की तरफ लेके जा रहे थे। मैं उसको जब सैंपल खोल कर दिखाए तो उसने मुझे ना ऑर्डर लिख कर देना शुरू कर दिया, ये इतने इतने का, वो मुझे काफ़ी विद इन अ सेकंड, हाँ मतलब आधा घंटा लगा गपशप हुई, वो ही रहे जस्ट, हाँ यानी कि मिलने मिलाने में तो उससे काफ़ी बड़ा मुझे ऑर्डर लिख कर दे दिया, और ऑर्डर भी काफ़ी बड़ा जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा ऑर्डर, तो और मुझे वो कैश हैंड कैश दे रहा, मैं कहा इस तरह नहीं हमारा चलता है, हम कैश नहीं लेते, हमारा बैंकिंग सिस्टम है, हम थ्रू प्रॉपर चैनल काम करते हैं, तो तुम ये मेरा अकाउंट है कंपनी का वहाँ पेमेंट भेजो, तुम्हें इस तरह शिपमेंट आएगी। तो वो मुझे कहता है मेरा तो कंपनी अकाउंट नहीं है, मुझे तो ये सिस्टम का नहीं पता, मैं कहता तुम अपने बैंक जाओ, अपने बैंक जाके तुम उसे कोई मैं ऐसा ओवरसीज पेमेंट भेजती हैं तो तुम
इस तरह जाके काम करो, हम इस तरह नहीं करते। कहता अच्छा मैं, तुम मेरे पास कल आओ, मेरे साथ मेरे बैंक जाना, मेरा सारा सिस्टम सेट करो। मैं उसके साथ गया, उसका सारा सिस्टम सेट कराया और बिलीव करें मैंने उसके साथ इतना बिजनेस किया और आज भी मैं उसके साथ बहुत बिजनेस कर। पर ये एक बहुत बड़ी बात है, कैसे पाकिस्तानी अगर उसने आपके साथ किया है। हाँ जी, तो मैं उसके साथ बहुत अच्छा बिजनेस किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि बीइंग ए पाकिस्तानी मैं वहाँ पे गया। लेकिन मुझे इस चीज़ का कि जब अल्लाह ताला ने रिस्क देना आपको किस तरह वो लास्ट से भी इसबाब पैदा कर देते हैं अल्लाह ताला। दूसरा मैं एक मुझे वाकया जी, मैं साउथ अफ्रीका गया हुआ था जी, तो मैं बैठा हुआ तो खबरें देख रहा था होटल में, उसमें आया कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर वेंट टू नबीबिया। हो मेरे जहन में आया कि मैं कहीं चाइनीज प्राइम मिनिस्टर नबीबिया क्या करने जा रहा है। हाँ, छोटा सा वो वैसे उसको क्या वहाँ पे इंटरेस्ट है। तो मैं कहा लेट्स गो टू नबीबिया देख के, अगर चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जा रहा है तो वजह तो हो सकती समथिंग स्पेशल। मैं सुबह ट्रैवल एजेंट के पास गया तो मैंने कहा यार मैंने नबीबिया जाना, मुझे वीज़े की ज़रूरत है। उसने कहा जी, उसने चेक किया, उसने कहा नहीं तुम्हें वीज़े की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। मैंने अपनी टिकट बुक करवाई और नबीबिया चला गया। जब मैं नबीबिया एयरपोर्ट पर उतरा तो ऐसे लगे जैसे पता नहीं आप यू आर नो वेयर, पता नहीं रेगिस्तान में एयरपोर्ट बना हुआ था, एयरपोर्ट से बाहर निकले कोई बंदा ना बंदे के साथ। आई नो वो बहुत ही यानी कि सारी रीजन कंट्री पूरा ऐसे ही वैसे सुना था। गया तो शहर के पास पहुंचा तो शहर वाला कोई सीन नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उसे पूछा, मैं कहा सिटी की तरह एक बंदे से, कहते ये सिटी है। मैं कहा ये कहाँ पे आ गया, ऐसे टाइम लालू खेत में आ गया। तो फिर वहाँ पे मैंने थोड़ी सी मार्केटिंग स्टार्ट की तो वहाँ पे मुझे कस्टमर मिल गया। अब ये कहेंगे पाकिस्तान से आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेंड फर्स्ट शिपमेंट टू नबीबिया। उससे पहले कभी कोई किसी ने पाकिस्तान से शिपमेंट नहीं भेजी, डायरेक्ट शिपमेंट कोई नहीं गई थी। और स्टिल अभी तक वो आपके चल रहे हैं? वो चल रहा है। उसके बाद काफ़ी बिजनेस किया पाकिस्तान, वो कस्टमर भी आता रहा, काम पाकिस्तान से डायरेक्ट करता रहा। लेकिन मैं ऐसा मेरी वजह से अल्लाह ताला ने वो डोर खोला है। मेरे सब डोर तो और भी हैं दुनिया में, नो डाउट। ये कि ना एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल मार्केट और ट्रेड इवेंट्स और एग्जीबिशंस, ये एक तसलसल है अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी मंडियों तक लेकर जाने का। हमारे यहाँ चूँकि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इतनी एक्टिव नहीं है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स को, या अगर हम ये कि हमारे जो कमर्शियल काउंसलर्स हैं दुनिया में, ठीक है, ये उनका काम है कि हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एंगेज करें। अभी लास्ट ईयर मैं बाकू में था और आपको पता ही बहुत प्यारा मुल्क है वो, वैसे भी आज़रबाईजान, और हमारे साथ बड़े अच्छे उनके ब्रदर रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ। अच्छा, बाकू में फर्नीचर मार्केट और ये कारपेट बहुत बड़ी इंडस्ट्री मार्केट है। जी जी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने वहाँ पर आप लोगों के सर्वे या वर्किंग है या नहीं है, आप ज़रूर देखिएगा। असल चीज़ है वहाँ तक प्रोडक्ट हमारी गई नहीं है। अगर हमारी प्रोडक्ट जाएगी वहाँ टर्की है साथ, आज़रबाईजान है, आगे रशिया पूरा है, ठीक है, तो जब हमारी प्रोडक्ट वहाँ पर जाएगी डेफिनेटली यानी कि पाकिस्तान को उसमें से ज़रूर शेयर मिलेगा। असल चीज़ें नई मार्केटें मंडियाँ तराश करनी। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये हमारी ना सिंगल कंट्री एग्जीबिशन जो है ना वो हमें उसके लिए इंसेंटिव दे, टीडीएफ को इन्वॉल्व करे हमारे साथ। जितनी ज़्यादा सिंगल कंट्री एग्जीबिशन हमारे लिए होंगी उतने ही हमें जो है ना ऑर्डर्स और हमारे जो है प्रोडक्ट को गारंटी मिलेगी। वो हमने काफ़ी दफ़ा लिखा है लेकिन उसका कोई हमें अच्छा रिस्पांस नहीं। इसमें मियाँ साहब, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स हैं जो एग्जीबिशंस करते हैं हमारी तरह, वो ज़्यादा अच्छा आप लोगों को रिस्पांस दे सकते हैं एज कम्पेयर टी डैब। अगर आप बात करें उनके हालात और वाकयात आपको पता ही है क्या है। एक्चुअली जितने छोटे मोटे एक्सपोर्टर्स होते हैं वो सारे कहते हैं इंसेंटिव मिले, इंसेंटिव्स मिले। आजकल तो आपको पता है फ्रेट सब्सिडीज चाहिए हर एक बंदे को, इतना हो गया है। और ये राइट है आप लोगों का, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं है। तो उसके सिलसिले में बस इसी तरह ही हम चाहते हैं कि हमें जो भी बार एग्जीबिशन मिले वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर लेके दे। उसी चक्कर में गवर्नमेंट को इतनी वो मिलती नहीं हमें, तो ट्रेड एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती है। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है आप लोगों की। मेरा सब एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं उस पर आऊँगा कि आप इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देखते हैं। फ्यूचर यही है कि जो हमें जी सिंगल कंट्री एग्जीबिशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को अदर नई मार्केट तलाश करनी चाहिए,
एक रशिया बहुत अच्छी मार्केट है हमारे लिए, फिर साउथ अमेरिका की मार्केटें हैं, वो जो ऐसी मार्केटें हैं जहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही, गवर्नमेंट को MOU साइन करने चाहिए डायरेक्ट एक्सपोर्ट के लिए, वहाँ ड्यूटी टैरिफ बहुत ज़्यादा है, वो अलाउ नहीं करते, कारपेट जाता है लेकिन वो दूसरे एवेन्यू से जाता है, तो अगर हम डायरेक्ट उनके साथ MOU साइन कर लें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अपने ड्यूटी टैरिफ काम करवाएँ गवर्नमेंट लेवल पे, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी एनहांस हो सकती है, स्पेशली B2B और B2C। जी हाँ, जिस तरह की मीटिंग्स वगैरह एग्जीबिशंस हो तो उससे आप लोगों को बहुत फर्क पड़ सकता है, यानी कि लाइक फ्यूचर है और इसमें आप लोग एक्सपोर्ट और बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए और अच्छा काम हो सकता है, मेड इन पाकिस्तान, बिल्कुल मेड इन पाकिस्तान के प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, हम वो जो कन्वेंशनल मार्केट्स हैं USA यूरोप उसी में भी तक स्टक हुए हैं। थैंक यू मियाँ साहब, यकीन मानिए कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में आज मुझे बहुत मज़ा आया है। थैंक यू वेरी मच। नई पर्सनैलिटी के साथ, नई इंडस्ट्री के साथ, और मुझे उम्मीद है कि मैं भी दुआ गो हूँ आपके साथ, आपकी इंडस्ट्री के लिए, और हम भी कोशिश करेंगे आपको नई से नई मंडियाँ तलाश करके देने की, इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुक्रिया आपका मियाँ साहब, आपने अपना कीमती टाइम में से हमें एशियन ट्रेड टीवी को टाइम दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज़ ये आला काम ना सिर्फ गवर्नमेंट तक पहुँचेगी, क्योंकि हमारा चैनल हर जगह पर देखा जाता है, स्पेशली ट्रेड मिनिस्ट्री में, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक भी जाता है। तो सेकेंडली मियाँ साहब, शुक्रिया आपका, और आज आप हमारे गेस्ट हैं मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे इस सफ़र में हमारे मेहमान थे। तो ये सब ये आपके लिए गिफ्ट है मॉडल स्टील ग्रुप कंपनीज की तरफ से, जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे गेस्ट थे। थैंक यू वेरी मच जी, मॉडर्न स्टील का भी और आपका भी, आई एम रियली बीन ऑनर्ड फॉर अ नाइस गिफ्ट जी। अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है यार, एक मशवरा तो दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है, और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है, सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।